और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमसे डाइवोर्स मांग रही थी। What? वो कह रही थी कि अगर तुमने उसे तलाक नहीं दी तो वो तुम्हें कोर्ट में घसीट कर खुला फाइल कर देगी। Hey, sorry यार, वो एक ड्राफ्ट में मैं बिजी हो गया था, completely lost track of time. तुम्हें मुझसे मिलना था? क्या हुआ सना? What's wrong? Why? सर क्यों पकड़ के बैठी हुई है? तुम्हारी बीवी आई थी। आयजा? आयजा यहां आई थी? कब? मैं तुम्हें बुलाने आ रही थी तो इत्तेफाक से उससे मुलाकात हो गई। वो बहुत गुस्से में थी। वो कह रही थी कि तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमसे डाइवोर्स मांग रही थी। What? वो कह रही थी कि अगर तुमने उसे तलाक नहीं दी तो वो तुम्हें कोर्ट में घसीट कर खुला फाइल कर देगी। मैंने उसे बहुत समझाया साथ, मैंने उसे बहुत समझाया कि अगर तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं उन्हें क्लियर कर देती हूँ, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उल्टा उसने मुझे ब्लेम किया कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़े हो रहे। Why is she dragging me into all of this? सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। I feel so embarrassed. I'm really sorry. मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ठीक है क्या? मुझे तुमसे I like you. मैंने तुमसे कभी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं की साथ, क्योंकि मैं तुम्हारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं तो हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारी बीवी, उसने मुझसे इतना रूडली बिहेव किया। She insulted me in front of all of these people. I'm sorry. I'm really very, very sorry. मुझे पता नहीं, I don't know what to say. It's okay, Saad. तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। But I really feel bad for you. तुम भले मुझसे शादी करो या ना करो, लेकिन तुम्हें इस शादी को खत्म कर देना चाहिए। She doesn't deserve you, Saad. और जब एक इंसान को आपकी कदर ना हो तो उससे दूर हो जाना बेहतर हो। Please take care of yourself. अच्छा।